फेफड़े एवं हार्ट फेल मरीजों को नई जिंदगी देने के लिए आज फरीदाबाद जिले के मेट्रो हॉस्पिटल में ECMO मशीन का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने इस मशीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि मेट्रो अस्पताल पिछले कई वर्षों से फरीदाबाद ही नहीं अपितु देश भर के साथ साथ विदेशी मरीजों को भी बेहतर सेवाएँ दे रहा है और यह फरीदाबाद के लिए गर्व की बात है कि तमाम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल उनके जिले में स्थापित है। कार्यक्रम के मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एवं चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल ने कहा कि मेट्रो अस्पताल का उद्देश्य लोगों को वाजिब दामों पर बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना है। फरीदाबाद से न्यूज़ टुडे के लिए पूजा शर्मा की रिपोर्ट। जैसे हमने दमा के पेशेंट्स देखे हैं, कई बार उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 100-150 के भी ऊपर चला जाता है। उस पेशेंट्स में भी इस मशीन के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकते हैं। कई बार हमें यंग एस्थमा के पेशेंट मिलते हैं जिनमें इतना सीवियर ब्रोंकोस्पास्म होता है कि आप वेंटिलेटर से भी उनको वेंटिलेट नहीं कर सकते। उस पेशेंट्स में भी हम इस मशीन को यूज करके बचा सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक बहुत कॉमन पॉइजनिंग है सेल्फोस पॉइजनिंग। सेल्फोस के पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल होता है। हमारी सोसाइटी में धारणा है किसी ने सेल्फोस खा लिया तो वो गया। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मेट्रो अस्पताल ने फरीदाबाद में नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, किस तरह की ये टेक्नोलॉजी काम करेगी, लोगों पर फायदा मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी, जो पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और बहुत ही नामी ग्रामी डॉक्टर हैं, जिन्होंने फरीदाबाद को एक सौगात दी है ECMO मशीन के रूप में, जो लोगों के जीवन को बचाने का काम शुरू करेगी। जब इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है, फेफड़ा काम करना बंद कर देता है, तो इस मशीन के माध्यम से 14 दिन तक उसको सुरक्षित रखा जा सकता है और इस दौरान जो मरीज है उसका दिल भी रिवाइव कर सकता है, उसका लंग्स भी रिवाइव कर सकता है, क्योंकि उसको इलाज प्रॉपर ढंग से करके दवाइयां देकर उसके जीवन को बचाया जा सकता है। तो ये जीवन रक्षक मशीन फरीदाबाद को ECMO के रूप में डॉक्टर लाल जी ने मेट्रो हॉस्पिटल ने दी है, तो आज उसका शुभारंभ आज वो यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, तो उसके शुभारंभ के मौके पर मुझे मेट्रो हॉस्पिटल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज वो शुरू हुई है, तो उसके लिए मैं डॉक्टर लाल जी को, उनकी पूरी टीम, डॉक्टर नीरज जी को, उनकी पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। वैसे भी हमारे यहाँ डॉक्टर को भगवान का रूप माना गया है, भगवान लोगों को जन्म देता है और जब कभी लोग बीमार पड़ते हैं तो उनके जीवन को बचाने का काम इस देश में डॉक्टर करते हैं। आपने कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी देख रहे हैं कि डॉक्टरों ने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके लोगों के जीवन को बचाने का अग्रिम पंक्ति के योद्धा के रूप में काम किया है और ऐसे हमारे बहुत डॉक्टर हैं जिन्होंने लोगों का जान बचाते बचाते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, तो उन सबको मैं सैल्यूट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेट्रो हॉस्पिटल में ये मशीन आई है तो फरीदाबाद के लोगों को इससे बहुत ही सुविधा होगी, उनका जीवन बचाने में ये बहुत उपयोगी कारगर सिद्ध होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर से डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी को, डॉक्टर नीरज जैन जी को और उनकी पूरी डॉक्टरों की टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, अभय चौटाला का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और इनेलो नेता कह रहे हैं कि हरियाणा में कोई किसान नेता है तो वो अभय चौटाला है, उनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। देखिए, तो देश के प्रदेश के लोग तय करेंगे कि किसी के कहने से कोई किसान नेता हो जाता है कि नहीं होता। ये लोग अपनी वोट से तय करते हैं कि कौन देश का नेता बनेगा, कौन देश का नेतृत्व करेगा, कौन प्रदेश का नेतृत्व करेगा। ये अधिकार देश और प्रदेश के लोगों को है, किसी व्यक्ति को नहीं। सर, लाल किले पे जो शर्मनाक घटना हुई, आप किसान नेता उससे पल्ला झाड़ रहे हैं अपना? देखिए, हम पहले दिन से कहते थे कि आंदोलन में जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इस आंदोलन के पीछे, इस आंदोलन में घुस आई, इस आंदोलन पर किसी का काबू नहीं रहा। और आपने देखा भी कि किसान संगठनों के जो नेता थे वो कहाँ गायब हो गए।
आग तो लगा दी लेकिन आग को बुझाएगा कौन। तो इसलिए कभी भी इस तरह जहां हमारे देश का सम्मान का प्रतीक तिरंगा लहराया जाता है वहां पर आप दूसरे झंडों को फहराएंगे तो इससे, और 26 जनवरी के दिन जब पूरा देश गणतंत्र दिवस के समारोह में सरोबार था, जश्न मना रहा था, उस समय पूरी दुनिया में भारत को शर्मसार करने का काम इन किसान संगठनों के नेताओं ने और इन देश विरोधी ताकतों ने किया है, जो बहुत निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्य। कई विदेशी अखबारों में भी आलोचना हुई है भारत की। देखिए भारत की आलोचना नहीं है, ये उन संगठनों की आलोचना है जिन्होंने ऐसे शुभ अवसर पर इस तरह का अंजाम दिया और दिल्ली में घुस करके हिंसा और उपद्रव करने का काम। पहले ही महीने में मेट्रो में कोविशील्ड आ गई, अभी ये मशीन आ गई है, तो चिकित्सा क्षेत्र में नहीं जो सौगातें मिल रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे पहले ही महीने में? हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान जिस तेजी से हर क्षेत्र में, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, लगातार आगे बढ़ रहा है। और दुनिया का पहले नंबर का देश हमने भारत को बनाना है, इसमें सबका सहयोग और समर्थन चाहिए और मिलेगा। मंत्री जी जरा ध्यान दे, जरा इसको लाइक करना, शेयर करना, है ना मेरा भाई, और सब्सक्राइब भी जरा याद से करना।